तो हेलो भाइयों, मेरा नाम है करण अरोरा और मैं जस्ट अभी अभी सोकर उठा हूँ और सुबह के बज रहे हैं 10:50। और भाई ने बोला था कि आज से ब्लॉग चैनल स्टार्ट करना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पर कैसे बनाते हैं वीडियोस वगैरह, लेकिन आपके सपोर्ट से जरूर नंबर 1 पर पहुँचेंगे, तो देखते रहना। तो मम्मी कह रही हैं आज खाना तुम बाजार से खाना, क्योंकि वो थक गई हैं, कल बहुत काम किया था मम्मी ने। तो हम जाते हैं कचौड़ी लेने, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए मम्मी के मुंह से सुनते हैं कि कौन सी कचौड़ी लानी है। मम्मी बताओ कौन सी कचौड़ी लाएं, जो तुम्हें अच्छी लगे, आलू की या दाल की? आलू। चलिए दाल की नहीं बताई मम्मी ने, आलू की बताई है, ले आते हैं। क्यों मम्मी? ठीक है, आलू की। भैया को आने में थोड़ी देर थी, तो मैंने सोचा थोड़े पुशअप सी कर लेता हूँ। दोस्तों मैं हो चुका हूँ नाश्ते के लिए रेडी और भैया आ चुका है, तो हम जाने वाले हैं हाथरस के सबसे मशहूर कचौड़ी वाले पास। क्यों भैया? तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हाथरस की सबसे मशहूर कचौड़ी वाले, और आपको कचौड़ी दिखाएंगे कैसी है और खा के भी बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों आप ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये हमारी अपाची, और ये है हमारी पुरानी अपाची, जिससे कि हम जो भी सिटी का काम होता है सब काम हम इसी अपाची के दोस्तों। वैसे तो हाथरस में एक से एक कचौड़ी वाले हैं, लेकिन चंद्रेश कचौड़ी वालों की तो बात ही कुछ और है। ये मेरी सबसे फेवरेट कचौड़ी वाले की शॉप है, अगर आप कभी भी हाथरस आए तो चंद्रेश भाई की कचौड़ी जरूर ट्राई करें। गजब की कचौड़ी है जैसा मैंने बोला था। कैसी लगी मम्मी तुमको कचौड़ी? बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। यह है दाल की कचौड़ी, मजा आ गया। दोस्तों मौसम हाथरस में हो रहा है बहुत ही अच्छा, चलो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों काम करते करते टाइम मालूम नहीं पड़ा और रात के बज चुके हैं 10:15। तो अब सिर में बहुत भारी भारी हो गया इतना काम करते करते, तो अब थोड़ा घूम के आते हैं और आपको भी घुमाते हैं, और आपको हाथरस रात को कैसा लगता है वो भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। चलो Thank you.
देखा दोस्तों आपने हाथरस रात में कैसा लगता है। और ये करण का फर्स्ट ब्लॉग है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती रह गई उस ब्लॉग में, जिस तरीके से बनाना चाहिए उस तरीके शायद नहीं बनाया हो। जैसा भी है, आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाला है ये, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।